ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का एक टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन नाइजीरिया। नाइजीरिया में आप कैसे आपका बिजनेस शुरू कर सकते हैं उसके बारे में मैं आज आपको डिटेल्स में बताऊंगा। नाइजीरिया में कैसे आप आपका खुद बिजनेस स्टार्ट करोगे, नाइजीरिया में कैसे आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन कर पाओगे और नाइजीरिया में क्या क्या बिजनेस का अपॉर्चुनिटीज है और क्या इंडिया नाइजीरिया को एक्सपोर्ट कर रहा है और कितना खर्चा आएगा नाइजीरिया में अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे उसके ऊपर मैं आज आप टोटल आपको डिटेल्स में बताऊंगा। सो आइए शुरू करते हैं द वीडियो हाउ टू स्टार्ट योर कंपनी स्टार्ट योर बिजनेस इन नाइजीरिया। सो नाइजीरिया एक कंट्री है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है। बहुत बड़ा कंट्री है और बहुत पॉपुलस कंट्री है इन अफ्रीका। अफ्रीका का सबसे पॉपुलस कंट्री है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है इन नाइजीरिया। नाइजीरिया एक बड़ा मार्केट है इंडियन और चाइनीज चाइना के लिए, क्योंकि चाइना जो है वर्ल्ड का द टॉप एक्सपोर्टर है अफ्रीकन कंट्रीज के लिए। तो नाइजीरिया का जो ट्रेडिंग पार्टनर है नंबर वन में है चाइना। चाइना से काफी मात्रा से नाइजीरिया इंपोर्ट करते रहते हैं काफी सारे प्रोडक्ट्स। इंडिया का नंबर टॉप 10 में आता है लेकिन चाइना नंबर वन है। सो नाइजीरिया बड़ा मार्केट है, 20 करोड़ का पॉपुलेशन है, 20 करोड़ का पॉपुलेशन है नाइजीरिया, बड़ा मार्केट है। और उनका जो राजधानी का नाम है अबुजा। इंडियन पॉपुलेशन है करीब 35,000 इंडियंस वहां पर रहते हैं, बिजनेस कर रहे हैं। काफी सारे इंडियंस जो नाइजीरिया में बसे हुए हैं नाइजीरियन पासपोर्ट लेके, नाइजीरिया का काफी सालों से नाइजीरियन सिटीजनशिप लेके वहां पर रह रहे हैं। नाइजीरिया में जो इंडियंस है काफी सारे बहुत रिच इंडियंस है, क्योंकि बिजनेस करके नाइजीरिया में रिच बन गए हैं काफी सालों से और वहीं पर बस गए हैं। क्योंकि नाइजीरिया एक बड़ा मार्केट है, पोटेंशियल मार्केट है आपके लिए, इंडियन के लिए, ठीक है। सो इस वीडियो में बताऊंगा अगर नाइजीरिया में आप आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। सो नाइजीरिया में बता दिया 20 करोड़ का पॉपुलेशन है, 35,000 इंडियंस रहते हैं, अबुजा उनका जो राजधानी है। नाइजीरिया का लैंग्वेज है इंग्लिश में बात करते हैं और बाकी काफी सारे लोकल लैंग्वेज में भी बात करते हैं। नाइजीरिया बड़ा मार्केट है, 20 करोड़ का मार्केट है, लेकिन उनका जो नेबरिंग कंट्रीज काफी बड़े बड़े कंट्रीज है, पॉपुलस कंट्रीज है, जैसा कि घाना है, चाद है, बेनिन है, टोगो है, काफी सारे कंट्रीज लोकेटेड है। आप देख रहे हैं मैप में देख लीजिए नाइजीरिया का जो इतने सारे कंट्रीज है उनका जो नेबरिंग कंट्रीज है। सो नाइजीरिया में अगर आप खुद का एक्सपोर्ट इंपोर्ट री एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करोगे तो आप काफी मात्रा से ज्यादा आपको फायदा मिलेगा और प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो नाइजीरिया को क्या क्या प्रोडक्ट, अभी बताऊंगा नाइजीरिया क्या प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड इंपोर्ट कर रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूं मैप में, देख लीजिए। तो ये प्रोडक्ट नाइजीरिया इंपोर्ट करता है, आपको एक फेयर आइडिया आ जाएगा क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ इंडियन कंपनीज इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट नाइजीरिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, आपको दिखा रहा हूं। क्या है नाइजीरिया में इंडियन कंपनीज क्या एक्सपोर्ट कर रहा है और नाइजीरिया क्या क्या इंपोर्ट कर रहा है, मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो नाइजीरिया में अगर आप एक इंडियन कंपनी हो, इंडिया से हो या कोई भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो और नाइजीरिया में बिजनेस करना चाहते हो, मैं आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन का बारे में बताऊंगा। तो नाइजीरिया में बिजनेस अगर ऑपरेट करना चाहोगे तो नाइजीरिया में आपका खुद का प्रेजेंस होना जरूरी है, आपका खुद का बिजनेस होना जरूरी है, खुद का कंपनी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो कितने टाइप का कंपनीज आता है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन नाइजीरिया जब अगर आपको नाइजीरिया या नाइजीरिया का नेबरिंग कंट्रीज आपका टारगेट कंट्रीज है तो नाइजीरिया में आपका खुद का एक कंपनी बना लीजिए। मैंने पहले बना चुका हूँ एक वीडियो घाना के बारे में। घाना में अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको कम से कम 5 लाख से 10 लाख के ऊपर ज्यादा खर्चा आता है खाली कंपनी फॉर्मेशन के लिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन नाइजीरिया जो है बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता में नाइजीरिया में आप बिजनेस शुरू कर पाओगे। सो नाइजीरिया में कितने टाइप का बिजनेस रजिस्ट्रेशन कर पाओगे उसकी अपने बात करूंगा। तो नॉर्मली 3 टाइप का जो बिजनेस आप कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। पहला आता है
आपका ब्रांच ऑफिस रजिस्ट्रेशन। ब्रांच ऑफिस रजिस्ट्रेशन मतलब अगर आप इंडिया में या पाकिस्तान में, नेपाल में, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज में आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या लिमिटेड कंपनी हो आपका कंट्री में या इंडिया में, तो आपका ब्रांच ऑफिस आप नाइजीरिया में शुरू कर सकते हैं। लेकिन ब्रांच ऑफिस में डिसएडवांटेज क्या है, ब्रांच ऑफिस में आप नाइजीरिया में करोगे तो एक नाइजीरिया का नेशनल को, नाइजीरिया का सिटीजन को आपको फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट का एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा मार्केटिंग के लिए, और आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कोई भी एक्टिविटीज उस कंट्री में नाइजीरिया में नहीं कर पाओगे। वर्ल्ड में ऑलमोस्ट एवरी कंट्री में अगर आप ब्रांच ऑफिस खोलोगे तो आप खाली वहाँ पर मार्केटिंग कर पाओगे, आपका प्रेजेंस रहेगा, आप खाली मार्केटिंग कर पाओगे, बाकी एक्टिविटीज नॉर्मली नहीं रहता है। ऐसा अगर नाइजीरिया में आपका खुद का कंपनी रजिस्टर आपका ब्रांच ऑफिस खोलोगे तो आप खाली मार्केटिंग के लिए रख सकते हैं, बाकी एक्टिविटीज नहीं रहेगा। आप खुद का वेयरहाउस नहीं रख सकते हैं, इम्पोर्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। उसका कैसा होगा, एग्जाम्पल आप राइस एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है, आपका इंडिया में आपका कंपनी का नाम है ABCD राइस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, तो आप इस कंपनी का, आपका कंपनी का आप नाइजीरिया में खोल दिया ब्रांच ऑफिस, तो नाइजीरिया में भी ऐसा बन जाएगा ABCD राइस एक्सपोर्ट्स LLC नाइजीरिया में खोल सकते हो। और नाइजीरिया में एक आपको नाइजीरियन सिटीजन को जॉब देना पड़ेगा और कुछ नाइजीरियन लोग को जॉब देना पड़ेगा, या इंडिया से कुछ आपका मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग मैनेजर लेके आपको वहां पर अपॉइंट करना पड़ेगा। फिर वो लोग क्या करेंगे, नाइजीरिया के अंदर या नाइजीरिया का नेबरिंग कंट्री में जाकर खाली एक्सपोर्ट का ऑर्डर लेंगे, फिर इंडिया टू नाइजीरिया आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। आप वहां पर खुद का वेयरहाउस लेके, खुद का शोरूम, खुद का दुकान वगैरह कुछ नहीं कर सकते हो ब्रांच ऑफिस में, इसलिए ब्रांच ऑफिस इतना पॉपुलर नहीं है। तो दूसरा है स्टॉक, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो बड़े कंपनी होता है नाइजीरियन का, नाइजीरिया का स्टॉक एक्सचेंज में भाग लेते हैं, तो उनके लिए बड़ा कंपनी के लिए बड़ा बिजनेस है जॉइंट वेंचर कंपनी, वो भी आपके लिए पॉसिबल नहीं रहेगा क्योंकि ये बड़ा कंपनी के लिए है। मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं स्टार्टअप कंपनी छोटे कंपनीज के लिए मैं बनाता हूँ, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे जो एक्सपोर्टर्स है वो कैसे आगे बढ़े, छोटे छोटे स्टार्टअप कंपनी है जो कैसे आगे बढ़े, क्योंकि बड़े बड़े कंपनीज ऑलरेडी सेटअप ऑलरेडी उनका है वर्ल्ड वाइड, ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं, उनके पास काफ़ी बड़ा सेटअप है, स्टाफ है, मार्केटिंग स्टाफ है, वर्ल्ड वाइड वो एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारा इंडिया या कोई भी कंट्री से आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप कैसे ग्रो करें, आप कैसे एक्सपोर्ट में ग्रो करें और आपका कंपनी कैसे आगे बढ़े, ठीक है। सो नाइजीरिया की बात कर रहा हूं, तो नाइजीरिया का जो पॉपुलर कंपनी है LLC लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहा जाता है, वो कंपनी आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो LLC कंपनी नाइजीरिया में आप रजिस्टर करिए। सो प्रोसीजर क्या रहेगा, आपको नाइजीरिया जाना पड़ेगा पर्सनली, नाइजीरिया का राजधानी अबुजा, अबुजा जाना पड़ेगा। अबुजा में काफ़ी सारे उनका जो लॉयर्स है, लॉ फर्म्स है और अकाउंटेंट्स है, तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कौन करेगा, आइदर कोई लॉयर करेगा या कोई अकाउंटेंट करेगा, जो रजिस्ट्रर ऑफिस जाके आपका कंपनी को रजिस्टर करेगा, ठीक है। तो पहला आपको 5 नाम देना पड़ेगा, 5 नाम, 5 नाम चूज करिए आपका कंपनी का नाम, किस किस का, किस किस नाम में कंपनी आप रखना चाहते हो, तो 5 नाम में और ढूंढेंगे, सर्च करेंगे कि 5 नाम में कौन सा नाम अवेलेबल है इन नाइजीरिया, क्योंकि एक नाम में इंडिया जैसा हर कंट्री में एक कंपनी बन सकता है, दूसरा कंपनी नहीं बन सकता। जैसे कि टाटा है, टाटा का नाम पे आप कंपनी नहीं बना सकते, बिरला का नाम पे नहीं बना सकते, रिलायंस का नाम पे नहीं बना सकते, ऐसा हर कंट्री में एक कंपनी बन गया तो उस नाम पे कंपनी दूसरा नहीं बनेगा, नहीं बन पाएगा। इसलिए 5 नाम में ढूंढेंगे कौन सा नाम अवेलेबल है, तो आपको बताएंगे कि भाई एक नाम अवेलेबल है, फिर उस नाम पे कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा। और कंपनी में आप नाइजीरिया में कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम में कंपनी का नाम में आप होल्डिंग, नेशनल, कंट्री या ऐसा कोई कुछ भी नाम आप नहीं ऐड कर सकते हो, ठीक है, सिंपल नाम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा कि आपका नाम लेने के बाद, नाम रजिस्टर रेडी करने के बाद, आपका जो लॉयर है या अकाउंटेंट है आपका मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए प्रिपेयर करेगा। उसके लिए आपका पासपोर्ट कॉपीज, आपका इंडिया का कुछ IDs, आधार कार्ड वगैरह और आपको फोटोज देना पड़ेगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वो प्रिपेयर करेगा, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेगा और आपका डॉक्यूमेंट्स को, आपका पासपोर्ट को ट्रांसलेशन करेगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के बाद वो आपको लेकर जाएगा रजिस्टर ऑफिस में। रजिस्टर ऑफिस में आपका कंपनी रजिस्टर होगा, स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट करेगा, गवर्नमेंट का फीस पेमेंट करेंगे, फिर आपका कंपनी रजिस्टर होगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा 2 वीक्स लगता है, 2 हफ्ता लगता है। कंपनी रजिस्ट्रेशन जो होगा, अगर आपका LLC नॉर्मल LLC कंपनी है तो उसका 10,000 गवर्नमेंट का फीस रहता है, 10,000 नाइजीरियन नायरा।
नाइजीरियन करेंसी का नाम है नाइजीरियन नायरा, जो कि इंडियन करेंसी में काफी नीचे है। 1 इंडियन रुपीज इक्वल टू नाइजीरियन नायरा मिलेगा 5 रुपया, 5.5 रुपया मिलेगा आपको। आई मीन 1 इंडियन रुपीज, 1 रुपया हमारा इंडिया का 1 रुपया, नाइजीरिया में 5.5 रुपया मिलेगा। ठीक है, नाइजीरियन करेंसी इंडिया से नीचे है। तो अगर आप 10,000 नाइजीरियन नायरा 10,000 गवर्नमेंट का फीस देते हो तो इंडियन रुपीज से 7,500 रुपया आएगा। ठीक है, प्लस आपका 10 से 15,000 इंडियन रुपीज आपको देना पड़ेगा लॉयर को या अकाउंटेंट को, या डिपेंड करते हैं आप किस टाइप का लॉयर को हायर करते हैं। ठीक है, और आपका क्या खर्चा आएगा कि और भी 15 से 20,000 टोटल खर्चा आ जाएगा आपका गवर्नमेंट का फीस और स्टाम्प ड्यूटी वगैरह मिला के इंडियन रुपीज में करीब 30,000 से लेकर 35,000 में आपका कंपनी बन जाएगा इन नाइजीरिया। ध्यान से सुनिए, 35,000 से लेकर 35,000 में आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यानी LLC कंपनी नाइजीरिया में बन जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए, और इंक्लूडिंग लॉयर का फीस। ठीक है, इंक्लूडिंग लॉयर का फीस, और डिपेंड करते हैं आपका किस टाइप का कंपनी है। अगर आपका कंपनी बड़ा कंपनी है, LLC कंपनी बड़ा कंपनी है, और कैपिटल और उनका जो शेयर कैपिटल कंपनी का होता है अगर 1,00,000 के ऊपर रहता है, 1,000,000 यानी 10,00,000 नायरा से ऊपर रहता है, तो 1,000,000 का खर्चा आएगा 1,00,000 नायरा। समझ गए आप मेरा बात। अगर आपका कंपनी का, ये तो 35,000 बता दिया आपको, गवर्नमेंट का फीस है और लॉयर का फीस है सब कुछ। ठीक है, लेकिन अगर आपका कंपनी का शेयर कैपिटल आप बड़ा रखना चाहते हो तो इसमें आपका जो बता दिया ये नॉर्मली 1,00,000 नायरा का कैपिटल शेयर रहेगा, शेयर कैपिटल रहेगा आपका कंपनी का 1,00,000 नायरा का। अगर आपका कंपनी को आप बड़ा करना चाहते हो, फ्यूचर में बड़ा करना चाहते हो आपका कंपनी को इन नाइजीरिया, तो आपको अगर 1,000,000 शेयर कैपिटल रखना है, 1,000,000 नाइजीरियन नायरा शेयर कैपिटल रखना है, तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा 1,00,000 नायरा, जो इंडियन रुपीस में शायद 17,700 रुपया होता है। ठीक है, अगर आप 10 मिलियन नायरा रखना चाहते हो, 10,000,000 शेयर कैपिटल रखना चाहते हो, तो फिर आपका खर्चा आएगा 1,77,000 यानी 1,77,000 का खर्चा आएगा। तो आपको डिपेंड करता है आपका कंपनी कैसा है, क्योंकि कंपनी का शेयर कैपिटल अगर ज़्यादा बड़ा रखोगे तो आपका कंपनी का उतना वैल्यू रहेगा, फ्यूचर में आपको वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर मिल जाएंगे और कंपनी का वैल्यू मिलेगा, और फ्यूचर में इजीली नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज में आप ऐड कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। अगर छोटा कंपनी करना चाहते हो तो 1,50,000 1,00,000 का नाइजीरियन नायरा का शेयर कैपिटल रखिए, फिर आपको 35,000, 40,000, 30,000 के अंदर कंपनी आपका बन जाएगा। ठीक है, नाइजीरिया में, तो अगर आप नाइजीरिया में कंपनी बनाना चाहते हो, कंपनी रखिए नाइजीरिया में, कंपनी रखिए, आपका खुद का बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्ट कर दीजिए। नाइजीरिया के अंदर आप इंपोर्ट करके इंडिया से आप वहाँ पर रिटेल में सेल करिए, या डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करके सेल कर लीजिए, या री एक्सपोर्ट कर लीजिए टू घाना या बेनिन, टोगो, छाद, बहुत सारे कंट्रीज है नाइजीरिया का, तो उस कंट्री को आप नाइजीरिया टू रीएक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर नाइजीरिया बड़ा मार्केट है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप नाइजीरिया में कंपनी रजिस्ट्रेशन करिए, बड़ा वेयर हाउस रेंट में लीजिए, कंपनी बना लीजिए और इंडिया से इंपोर्ट करते रहिए। ज़्यादा करके फूड प्रोडक्ट इंडिया से जाता है, इंडिया टू नाइजीरिया फूड प्रोडक्ट, राइस जाता है, बहुत सारे प्रोडक्ट जाता है, स्पाइसेस जाता है, और बहुत सारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट जाते हैं और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जाते हैं। फिर नाइजीरिया में रह के आप नाइजीरिया के अंदर आप सेल कर नहीं पाओगे। नाइजीरिया बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत पैसा है, अभी धीरे धीरे लोग मिडिल क्लास लोग ऊपर आ रहे हैं और नाइजीरिया में आप काफ़ी पैसा बना सकते हैं। लेकिन नाइजीरिया में एक प्रॉब्लम है, आपके पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए, कंट्री सेफ नहीं है फिलहाल, आप खुद जाके ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा क्राइम है। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप खुद का सिक्योरिटी, खुद का कंपनी के लिए आपके लिए खुद का सिक्योरिटी अपॉइंट कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, सिक्योरिटी गार्ड ज़्यादा से ज़्यादा आपको नाइजीरियन लोकल नाइजीरियन को अपॉइंट करना पड़ेगा, तो फिर आप वहाँ सक्सेस हो जाओगे बिजनेस में। तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा बजट है, नाइजीरिया में आप बड़ा बिजनेस करिए, इम्पोर्ट करिए, इम्पोर्ट करके नाइजीरिया के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट को अपॉइंट करके सेल कर सकते हैं। बड़ा शोरूम रखिए रिटेल में सेल करने के लिए, और ज़्यादा अगर पैसा है फिर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करिए, जो जाके छाद में जाके नेबरिंग कंट्रीज है, घाना, बेनिन, टोगो, इतने सारे कंट्रीज है, उनको कैमरून है, एक कंट्री को जाके वो मार्केटिंग करेंगे, फिर इंडिया टू नेबरिंग कंट्रीज जब नाइजीरिया को आप एक्सपोर्ट भी कर पाओगे। तो अगर आपके पास बड़ा बजट है, ठीक है, छोटा बजट है तो फिर आप नाइजीरिया में एक कंपनी खोल लीजिए, एक दुकान ले लीजिए, फिर दुकान में आपका प्रोडक्ट रखिए, फिर वहीं से आप
रिटेल में सेल करिए, फिर धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा के इम्पोर्ट का ऑर्डर लीजिए, फिर इंडिया टू डायरेक्ट नाइजीरिया को एक्सपोर्ट करिए। तो आपको मैं डिटेल्स में बता दिया नाइजीरिया का LLC कंपनी कैसे बनेगा, कितना खर्चा आएगा और क्या क्या कर सकते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है, इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या क्या प्रोडक्ट नाइजीरिया इंपोर्ट करता है, डिटेल्स आपको बता दिया। खर्चा आएगा आपका 30,000 to 35,000-40,000 इंडियन रुपीज में आपका कंपनी बन जाएगा। नाइजीरिया में जो दुकान है, नाइजीरिया में अगर आपका खुद का शॉप दुकान लेना चाहते हो तो नाइजीरिया में बहुत सारे बड़े बड़े होलसेलिंग मार्केट्स आता है, ठीक है। अगर होलसेलिंग मार्केट में नाइजीरिया में होलसेल बड़े होलसेल मार्केट में आपका दुकान ले लोगे तो फिर आपको फायदा होगा। नाइजीरिया में घाना में जो एरिया में कैसा होता है, आपका दुकान में प्रोडक्ट रहेगा, अगर कपड़े का दुकान है आपके पास, कपड़े का है, चप्पल का है, शूज का है, कुछ भी है आपके पास, तो सुबह दुकान के सामने आपके पास आ जाएंगे हॉकर्स, आ जाएंगे काफी सारे आ जाएंगे, वो आपसे आप जिसको जानते हो आपसे क्रेडिट में ले लेंगे। एक एग्जाम्पल, आप कपड़ा बेचते हैं, गारमेंट्स बेचते हैं, होलसेलिंग में सेल करते हैं गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ठीक है, आपके पास काफी स्टॉक है जो आपका होलसेलिंग मार्केट में आपका दुकान है, तो सुबह सुबह जो हॉकर्स आते हैं और दुकानदार आते हैं वो आपके दुकान से कोई आके 5,000 से लिया, कोई 10,000 में लिया, कोई 1,00,000 का ले लिया, क्रेडिट में ले लिया, फिर शाम को आके वो कैश दे देते हैं आपको, शाम को कैश दे देंगे या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको कैश पेमेंट कर देंगे, फिर से आपसे क्रेडिट में लेंगे, क्योंकि वो सेल करेंगे। नाइजीरिया और अफ्रीकन कंट्री के लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं रहता, इसलिए आपको क्रेडिट थोड़ा देना पड़ेगा एक दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए, क्योंकि ट्रस्टेबल लोग हैं, आप पहले क्रेडिट मत दीजिए, आप देख के दीजिए, जैसे कि पहले आप किसी को 5,000 में दे दिया, फिर धीरे धीरे 10,000-20,000 बढ़ाते रहिए, वो लोग क्या करते हैं आपसे ले लीजिए, सुबह ले लेंगे आपसे आपका जो प्रोडक्ट ले लेंगे, शाम को बेच के शाम को पेमेंट करेंगे, या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब लेने को आएंगे आपको कैश दे देंगे पेमेंट, फिर से क्रेडिट में ले लेंगे। ये आपको अच्छा फायदा मिलेगा अगर आप होलसेलिंग मार्केट में आपको प्रोडक्ट रख के नाइजीरिया में सेल करोगे, ठीक है। और नाइजीरिया में अगर आप दुकान शोरूम लोगे तो ईयरली पेमेंट करना पड़ता है, इंडिया जैसा नहीं है कि आप मंथली या 3 महीने का पेमेंट करते हो। नाइजीरिया में आप एग्जाम्पल, एक दुकान का प्राइस रेंट है 20,000 रुपीज है, तो एक साल का 2,40,000 आता है, एक ही साल आपको पैसा देना पड़ता है क्योंकि काफी डिमांड है वहां पर। अगर आपके पास पैसा है, बजट है, नाइजीरिया चूज करिए, नाइजीरिया में आपको अच्छा फायदा मिलेगा। चाइना का देखिए, चाइना जो है अफ्रीका में हर कंट्री में जाइए, चाइनीज लोग बैठे हैं। चाइनीज लोग क्या करते हैं, पहले अफ्रीका में आते हैं जो मार्केट एरिया में छोटा सा दुकान ले लेते हैं, हस्बैंड वाइफ का टीम रहता है या फैमिली का टीम रहता है, वो लोग एक आदमी बैठा रहता है दुकान में, ठीक है, तो दुकान में उनका रहता है प्रोडक्ट रहता है रिटेल में सेल करने के लिए, और कुछ प्रोडक्ट रहता है उनका जो सैंपल पीसेस रहता है, सैंपल प्रोडक्ट रहता है। फिर उस टाइम में क्या करते हैं, वो एक दो जो लोकल कैंडिडेट्स को अपॉइंट करते हैं जो लोकली घूम घूम के ऑर्डर लेता है, एक्सपोर्ट का ऑर्डर, और उनका एक आदमी दुकान में बैठ के सेल करते रहते रिटेल में। तो जैसे ही लोकली अपॉइंटेड कैंडिडेट्स जॉब करते हैं उनके पास ऑर्डर ले लेते हैं एक्सपोर्ट का ऑर्डर, फिर चाइना में उनका जो आदमी बैठा रहता है चाइना में फैक्ट्रीज में सोर्स करके कंटेनर्स ऑफ प्रोडक्ट उस कंट्री को भेज देता है, ऐसा मार्केटिंग करते हैं। इसीलिए अगर आप एक एक्सपोर्टर हो, सीरियस एक्सपोर्टर हो, घर में बैठ के, ऑफिस में बैठ के, इंडिया में खाली इंटरनेट में आप बैठ के कॉन्टैक्ट मत करिए, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आप अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, कहीं भी कहीं भी आपको इंटरेस्टेड है, कौन सा मार्केट में इंटरेस्टेड है, पहले बाहर निकलिए। बाहर निकलोगे तो आपको बिजनेस मिलेगा, आप घर में बैठ के खाली इंटरनेट में मेल भेजते रहोगे आपको कुछ भी बिजनेस नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अफ्रीका और मिडल ईस्ट, मेनली अफ्रीका है और वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशियन कंट्री, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में आजकल बिजनेस है, यूरोप में भी बिजनेस है। तो कहीं भी आपको करना है, आप पहले बाहर निकलिए, कंट्री को टारगेट करिए, उस कंट्री में जाकर छोटा सा दुकान लीजिए, वहां पर बैठिए, मार्केटिंग करिए, धीरे धीरे आप स्टार्ट करिए, बिजनेस स्टार्ट करिए। क्योंकि घर पे बैठोगे, ईमेल करते रहोगे तो आपको कुछ भी काम नहीं मिलेगा ईमेल में। अगर आपके पास पैसा है, बजट है, अगर अकेले नहीं कर पा रहे हो तो एक दो पार्टनर ले लीजिए, इन्वेस्टर ले लीजिए, धीरे धीरे स्टार्ट करिए, लेकिन आपको घर से निकालना पड़ेगा। अफ्रीका जाइए, सेंट्रल एशियन कंट्री में जाइए, यूरोप में जाइए, अमेरिका, कहीं भी आपका पास बजट के हिसाब से जाइए, लेकिन बाहर निकलिए। घर पे बैठ के, ऑफिस में बैठ के काम नहीं होता है, आपको बाहर मार्केटिंग करना पड़ेगा। डिटेल्स में आपको बता दिया नाइजीरिया में कैसा आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, कैसे आपका कंपनी रजिस्टर करोगे, कैसे कितना खर्चा आएगा और क्या क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप नाइजीरिया में खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो नाइजीरिया ट्रैवल करके, नाइजीरिया का वीजा इजी है इंडियंस के लिए, आप जाके बिजनेस शुरू कर लीजिए।
या जाके कोई भी अकाउंटेंट्स या कोई भी लॉयर को पकड़ के कॉन्टैक्ट करके आपका बिजनेस स्टार्ट करिए। अगर नाइजीरियन आपका कंपनी खुद का कंपनी शुरू करना है तो आप हमें हमारा कंपनी को कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे नाइजीरिया में कैसे आपको कंपनी आपका बिजनेस कैसा फैक्ट्री आपका सेटअप करना है। नाइजीरिया में इंडियन रेस्टोरेंट्स का डिमांड आजकल बढ़ते जा रहा है, इंडियंस धीरे धीरे जाके बिजनेस कर रहे हैं। अगर आपके पास बजट है नाइजीरिया में, नाइजीरिया का जो बड़े बड़े सिटी है लैगोस है अबुजा है, वहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट्स कैफेज नाइट क्लब वगैरह इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको फायदा प्रॉफिट मिलेगा। तो डिटेल्स आपको बता दिया, मैं आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो फायदामंद होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा। हमारा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले काफ़ी सारे वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन मैं आपको ला सकूँ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।